इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने एक रूम का वायरिंग किस तरीके से करेंगे, अपने घर का वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं 1 मीटर, 1 DPMCB और 4 स्विच और 1 2-पिन सॉकेट का। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा घर में मीटर लगा होता है, इसमें 1 रेड कलर का और 1 ब्लैक कलर का वायर आता है जो कि MCB के निचले वाले हिस्से में लगा रहता है, जो कि DPMCB कहलाता है। उसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 2 बल्ब और 1 फैन का यूज़ करेंगे। और इसका वायरिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्विच में MCB के ऊपर से फेस का कनेक्शन करते हैं। इसको हम लोग स्विच के सारे निचले हिस्से में इस तरीके से आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सबसे लास्ट वाला स्विच को हम लोग 2-पिन सॉकेट के ऊपरी वाले हिस्से में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक और स्विच से हम लोग फैन में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। एक स्विच से हम लोग इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे और ये पहले नंबर वाले स्विच से ये पहले नंबर वाले बल्ब को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा रेड कलर का वायर है, ये सभी फेस का वायर है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फेस का कनेक्शन कर लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे इस वीडियो में दिखाया गया है उस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद सभी में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। इसका कनेक्शन देने के लिए ये जो DPMCB है, इसमें जो ब्लैक कलर का वायर है और न्यूट्रल का वायर है, इसको सबसे पहले हम लोग 2-पिन सॉकेट के निचले वाले हिस्से में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लूप बनाकर हम लोग फैन में इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक और लूपिंग बनाएंगे जो कि हमारा दोनों बल्ब के लिए रहेगा, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो ब्लैक कलर का वायर है वो हमारा न्यूट्रल का वायर है और जो रेड कलर का वायर है वो फेस का वायर है। तो इस तरीके से आप लोग फेस और न्यूट्रल की सहायता से अपना घर का कनेक्शन इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1 मीटर और 1 DPMCB, 4 स्विच, 1 सॉकेट, 2 बल्ब, 1 फैन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।